ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम हमारे YouTube व्यूवर्स। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था टॉपिक, वो MS Paint के क्लास नंबर 9 के हवाले से, और क्लास नंबर 9 के हवाले से टॉपिक था जिसमें हमने चंद एक चीज़ें ड्राइंग के हवाले से सीखी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है MS Paint क्लास नंबर 10 के हवाले से, ठीक है। तो इस 10 क्लास के हवाले से जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक क्रिएट जियो लोगो, ठीक है। जियो न्यूज़ वगैरह के हवाले से जो लोगो होता है वो चाहें तो MS Paint में सिंपल सा आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पाकिस्तानी फ्लैग और फिर क्रिएट पेप्सी बॉल। तो आएँ टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। क्रिएट जियो लोगो कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो MS Paint को हमने ओपन करना है। यहाँ से हम लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल शेप, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करने के बाद सॉलिड कलर, आपने यहाँ से सॉलिड कलर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कलर यहाँ से लेंगे ब्लैक और लाइन यहाँ से बारीक होनी चाहिए, ठीक है। शिफ्ट का कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम इसे यूँ ड्रॉ कर लेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद फिल विद कलर के आइकन पर क्लिक करेंगे, कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे रेड और यहाँ पर आकर फिल कर देंगे, ठीक है। लाइन टूल लेंगे और इसका साइज़ हम यहाँ से थिकनेस इसकी बढ़ा लेंगे। कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे, मज़ीद इसका साइज़ बढ़ जाएगा। और यहाँ से कलर लेंगे इसका ब्लैक और फिर हम इसे यहाँ ड्रॉ करेंगे। बहुत ज़्यादा लाइन मोटी होगी, थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं लाइन, ताकि इसकी सेटिंग के मुताबिक अच्छी लगे, ठीक है। और इतनी थिकनेस काफ़ी है इसके लिए। फिर यहाँ जाकर एक और लाइन को हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है कर्व टूल। इस कर्व टूल का हम यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से यूँ मूव कर लेंगे, थर्ड टाइम यहाँ से यूँ मूव कर लेंगे, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद फिल विद कलर के आइकन पर क्लिक करेंगे, कलर लेंगे यहाँ से ब्लू और यहाँ क्लिक कर फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे ओवल और फिल पर जाकर सॉलिड कलर को सेलेक्ट करेंगे। आउटलाइन से आकर यहाँ से नो आउटलाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है हमने, और कलर टू से कलर लेना है वाइट और हम इसे यहाँ जाकर यूँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद अगर हम इसके अंदर कलर वगैरह फिल करते हैं बैकग्राउंड पर, तो देखें ये जो जीम बना हुआ आ रहा है इसके अंदर भी कलर फिल हो गया। हम चाहते हैं इसमें कलर फिल ना हो, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल जेड प्रेस करें बैक जाने के लिए, मज़ीद इसकी ब्यूटी के लिए और कलर, ताकि इस एरिया में फिल ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, आउटलाइन पर आकर थोड़ी सी यहाँ से थिकनेस को बढ़ा लेंगे, जैसे कि 5 पिक्सल्स के हवाले से हमें ये दिख रही है। PX के मान होते हैं पिक्सल्स, ये एक साइज़ की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ब्लैक, फिर हम इसे यहाँ पर जाकर यूँ ड्रॉ करेंगे। अब देखें वाइटनेस की वजह से जो पीछे का एरिया है वो छुप रहा है, तो यहाँ से जाकर नो फिल कर देंगे। आउटलाइन पर आकर सॉलिड कलर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाहर क्लिक करें, देखें अभी ब्यूटीफुल जियो का जो लोगो है वो आपको क्रिएट होता हुआ ऑन स्क्रीन दिखा और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इसे उठाकर हम यूँ साइड पर मूव कर लेते हैं, ठीक है। आएँ इसी क्लास के टॉपिक नंबर 2 के हवाले से समझते हैं क्रिएट पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तानी फ्लैग कैसे बनाएंगे, देखें ज़रा पाकिस्तान का फ्लैग। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे, सॉलिड कलर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लाइन बारीक सेलेक्ट कर लेंगे, कलर लेंगे ब्लैक और यहाँ पर जाकर हम इसे यूँ ड्रॉ करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद लाइन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और हम इसे स्ट्रेट यूँ ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसे यहाँ पर भी यूँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद फिल विद कलर के आइकन पर क्लिक करेंगे, कलर लेंगे यहाँ से ब्राउन और यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे ग्रीन और यहाँ फिल करेंगे। अब इसके अंदर हमने मून बनाना है, मतलब चांद बनाना है, कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ओवल की शेप को और यहाँ से आकर सेलेक्ट करेंगे सॉलिड कलर के ऑप्शन को और आउटलाइन पर आकर नो आउटलाइन हमने सेलेक्ट करना है। फिर हम यहाँ जाकर ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फिर कलर टू पर क्लिक करने के बाद कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ग्रीन। अब इस शेप को हमने यहाँ पर यूँ ड्रॉ कर लेना है, तो ये आपको चांद बना हुआ दिखेगा इसमें, ठीक है। स्टार की शेप के लिए यहाँ से स्टार की शेप को हम सेलेक्ट करेंगे, कलर टू से सेलेक्ट कर लेंगे वाइट और फिर हम इसे जाकर यूँ शेप को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और उठाकर यूँ मूव कर सकते हैं। इसमें चाहें तो यहाँ से जाकर साइज़ यूँ कम कर लें, यहाँ से यूँ इसकी एडजस्टमेंट कर लें, जितना आपको रिक्वायर्ड हो उसके मुताबिक इसका साइज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक नंबर 2 MS Paint क्लास नंबर 10 के हवाले से। आएँ टॉपिक नंबर 3 के बारे में ज़रा समझते हैं। तो कहा जा रहा है इसके अंदर क्रिएट पेप्सी बॉल। पेप्सी बॉल आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर तीसरा टॉपिक क्लास नंबर 10 के हवाले से, पेप्सी बॉल कह दें या आप पेप्सी का लोगो कह दें, किस तरीके से इसका लोगो जो है वो क्रिएट किया जाएगा। तो उसके लिए ओवल की शेप हम सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन पर आके बारीक लाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे, कलर लेंगे इसका ब्लैक और शिफ्ट का यूज़ करेंगे कीबोर्ड से, सर्कल हमें यूँ बना हुआ दिखे। आउटलाइन पर आकर सेलेक्ट करेंगे सॉलिड कलर, ये सर्कल आपको ऑन स्क्रीन दिखेगा।
कर्व टूल सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अप और डाउन ड्रॉ करने के बाद सेकेंड एंड थर्ड क्लिक यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। इस तरीके से ही एक और कर्व हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, 1, 2 एंड 3, सेम कर्व इस तरह के दो बना लेंगे। और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है कलर रेड, यहाँ फिल करेंगे और कलर सेलेक्ट कर लेंगे ब्लू और यहाँ फिल कर देंगे। ये था MS Paint की क्लास नंबर 10 के हवाले से ड्राइंग का वर्क जो कि हमने सीखा समझा। उम्मीद रखते हैं कि आज की ये वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। यह था क्लास नंबर 10 का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे क्लास नंबर 11 के हवाले से, ठीक है। जब तक के लिए ज़्यादा चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।